बाहर बैठा नहीं है बाहर अच्छा बाहर करते जो ये किसी को अरेंज हो है बाहर स्पेस नहीं और आप लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। पहले आप अपना फोटोग्राफी जो भी कर लें कमांडिंग 207 कोबरा वाहिनी के पर्यवेक्षण में गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 5/8/2022 को एक्सी लेवल ऑफ्स रेडिएंट लॉन्च किया गया, शैडो ऑपरेशन नाम दिया गया। गुप्त सूचना ये थी कि इसमें प्रवेशदार अपने दस्ता सदस्यों के साथ पैसरा जमुनिया जो जंगली हिली इलाका है इसमें भ्रमशील है एवं उनके द्वारा किसी घटना को जो उनके द्वारा सब सामान डंप किए हुए हैं, ऐसे भी पैसरा में काफ़ी कुछ उन्होंने रिकवर किया है, उसी के आलोक में यहाँ कुछ डंप आपत्तिजनक सामान सुधाएं जिसे कोई सुरक्षा बल या जो कैंप को आप क्षति पहुँचा सकते हैं। इसी के आलोक में मेरे अंतर्गत मेरे कमांड में एक टीम गठित की गई जिसमें कमांडेंट 207 कोबरा के उप कमांडेंट क्यूएटी एवं टीम नंबर 16/18 जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा नेतृत्व किया गया, थाना अध्यक्ष लरैया टाण एवं नक्सल सेल मुंगेर पार्टिसिपेट किए। पार्टियां को जो अपना जैसा बताया गया था अपने तरीके से निर्धारित स्थान पर मार्च की। मार्च के दौरान जब ये मूव की जो नज़दीक आया जमुनिया और पैसरा जंगल जो एकोबी कैंप पैसरा है कोबरा कैंप उससे करीब 2.5 किलोमीटर दूर एरियल डिस्टेंस का ये इलाका है। जब जा रही थी पार्टियां मूव कर रही थी तो कुछ संदिग्ध सामान इनको दिखाई दिया, तो वही सर्च शैडो ऑपरेशन चल रहा है उसी का प्रमेश सर्च करने पर हमें ये जो कुछ नक्सली सामान आपत्तिजनक सामान स्पेशली जो विस्फोटक ग्रेनेड है जिसे जो सुरक्षा बलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता जिसे अत्यधिक क्षति पहुँचाया जाता, साथ में उसमें एयर गन सिलेंडर्स जो छोटे सिलेंडर बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर और ये बरमार बैरल और ये फोटोग्राफ्स जिसमें ये उनके जो लीडरशिप हैं
उनका जो किल्ड हुए हैं उनका भी और जो है उनका सारा कुछ है, प्लस जो विभिन्न सैक जैसे बिहार झारखंड कहाँ कहाँ क्या रोल प्ले किए हैं उनका भी फोटोग्राफ्स बरामद हुआ, साथ में जो डेली यूजेस के मेडिसिन हैं टैबलेट्स हैं इनकी भी बरामदगी हुई। सिलेंडर मल्टीपर्पज यूज होता है, एक तो जब कभी इनका सेलिब्रेशन, यहाँ पर आपको जानकारी भी होगी कि नेशनल कांग्रेस भी हुआ है, प्लेनम सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें इनका लाइट पर्पज जो खाना वगैरह कोई आदमी आए इनका जो होता है खाना में यूज होता है, कभी कभी इसमें लगा के लैंप यूज कर सकते हैं, कभी कभी इससे आप आईडी वगैरह बिस्कुट करने भी इसका इस्तेमाल किया, जैसे छोटे वाले आईडी इनका उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप एयर गन देख रहे हैं इसमें भी रॉड वगैरह फिट अप करके इसका इस्तेमाल करके इसमें वो चीज़ आपको बिस्कुट मतलब ये इसका भी इस्तेमाल, ये मल्टीपर्पज है आपको ये इसका इस्तेमाल किया सर। जी डेटोनेटर नहीं, ये ग्रेनेड जी ग्रेनेड 18 संख्या बरामद ज भी है, दवाई ये ग्रेनेड है, ये सुरक्षा बलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हैंड के थ्रू द्वारा थ्रो किया जाता है, इससे हम 50-60 मीटर तक की दुश्मन को ये नष्ट। इसमें क्या होता है कि ये ग्रेनेड है, साथ में इसमें एक स्क्रू आता है और हम डेटोनेटर इसमें इंसर्ट करते हैं, लॉक करते हैं, तो ये सब करके तब ये तैयार हो जाता है, उसको ग्रेनेड को तैयारी करते हैं उसके बाद इसको थ्रो किया जाता है, तो यही सब है जो इसमें भर के इसको इसमें 50-50 स्प्लिंटर निकलते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या है, जो इसमें से स्प्लिंटर निकलते हैं उसमें सुरक्षा बलों को जो दिन को वैध नंबर ऑफ टुकड़ी उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये है कि ये डंप का इस्तेमाल सुरक्षा बलों या फोर्स को ही क्षति पहुंचाने के लिए किया गया है जिसका ये सामने है।